हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो तुम पाकिस्तानियों सुन लो, तुम बेटे हो और बाप का सामना करने का प्रयास मत करो। कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और हिंदुस्तान किस तरह अपना जीत फतेह किया है और इंशाल्लाह आगे चल के भी इसी तरह जीत फतेह करते रहेगा, ऊपर वाले से अल्लाह से यही दुआ करेंगे। और हिंदुस्तान ने फिर से पाकिस्तान पे एक बार झंडा गाड़ दिया और गाड़ के दिखा ही दिया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और पाक पाकिस्तान पाकिस्तान है। और आज आप लोगों को बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप मैच जो है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में था और आज जो है कि रोहित शर्मा ने ऐसी धुआंधार पारी खेली कि आप लोगों को हम क्या बताएं। और इंडिया जो है कि जीत चुका है और पाकिस्तानियों को हरा चुका है और वर्ल्ड कप का ये मैच जो है कि फिर से एक बार इतिहास रचेगा। और जितने भी इंडिया टीम में धुआंधार बॉलिंग करने वाले हैं वो सारे लोग ने दो दो विकेट लेके अपनी पारी दिखाई है और धुआंधार जो है कि बॉलिंग करके दिखाया है इंडिया टीम के लिए। और अभी हमारे साथ जो है कि रेहान इदरीसी भाई है, ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों की क्या औकात है और पाकिस्तानियों की औकात दिखाएंगे और भारत और पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप मैच के बारे में और भारत के जीत के बारे में ये बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है कि पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कहा गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, आज मानना पड़ेगा पाकिस्तान को इस बात को कि हम लोग बाप है, हमारा इस मुल्क बाप है, ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो बाप का काम किया है और बाप का फर्ज हमेशा निभाया पाकिस्तान के ऊपर। आज वनडे वर्ल्ड कप जो था, ये 8वां वनडे वर्ल्ड कप हम लोग जीत कर दिखाया है, हमारा ये मुल्क जीत कर दिखाया है और हमारे इस मुल्क के सारे भी क्रिकेटरों को सलाम है दिल से कि आप लोगों ने फिर से एक बार झंडा गाड़ने का काम किया और हम जैसे मुसलमान युवाओं का दिल पे झंडा गाड़ दिया आप लोगों ने कि आज इस मैच जीतने का नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने देश को फतेह कर लिया है। वनडे वर्ल्ड कप में जब जब भी इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सामना हुआ है तब तब जो है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पाक पाकिस्तान के छाती पे अपना झंडा गाड़ के दिखाया है। और ये 8वां वनडे वर्ल्ड कप का मैच था जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के छाती पे झंडा गाड़ के जीत हासिल किया और बता दिया सच में कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो तुम पाकिस्तानियों सुन लो, तुम बेटे हो और बाप का सामना करने का प्रयास मत करो। क्या बोलेंगे रेहान जी इन पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तानियों के लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं, उस मुल्क के सारे लोग वीडियो देखते होंगे तो कहते हैं टोपी लगा के क्या कर रहा है, हमारा यह मुल्क है, हम इस मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं और इस क्रिकेट में हमारे जो खिलाड़ी है उनको हम ये सलाम करते हैं कि हर बार इस तरह अपना जंग जीती है। और कहीं ना कहीं क्रिकेट ऐसा क्रिकेट होता है कि देखने के लिए लोग चास से देखते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप पे फतवा जारी हो जाएगा? आप एक हिंदुस्तानी है पर एक मुसलमान है। लोग सोचते हैं कि क्रिकेट जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होता है तो भले जो है कि जीत हिंदुस्तान का होता है, पटाखा जो है कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी छोड़ता है, लेकिन उसमें मुसलमान बोलते हैं कि पटाखा नहीं छोड़ता है, हिंदुस्तान के जीत में शामिल नहीं होता है। क्या ये सही बात है? मोहम्मद सिराज इस टीम में नहीं खेल रहे हैं, दो दो विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज, तो मोहम्मद सिराज पे भी फतवा जारी होना चाहिए। ये देखिए खेल है, खेल के नजरिए से इसको देखा जाए। और कहीं ना कहीं हमारा यह मुल्क है और खेल में भी बहुत आगे है, हर चीज में हमारा इस मुल्क में आगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हो या पाकिस्तानी लोग हो, बोलते हैं कि हिंदुस्तान का औकात नहीं है, हम पाकिस्तानी से जीत जाएंगे। सामने आ गया, क्या बोले? अवकाश सामने आ गया और हर बार इन लोगों का अवकाश सामने आता है, ये बार बार थोड़े नहीं है। चिंदी चोर क्या बात करेंगे हम लोगों से? हमारे इस मुल्क का जितना भी इन लोगों को दान दिया जाता है उसी से इनका देश चलता है। मतलब ये लोग आटा चावल भी मांगना पड़ता है तो आके हिंदुस्तान से मांगते हैं, हिंदुस्तान है तो इनका ही पेट चलता है। और ये लोग जो है कि पल्ला घुमाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग तो हिंदुस्तान को हरा देंगे। इनका रोजी रोटी भी हम लोगों से चलता है, इन लोगों का रोजी रोटी भी हम लोगों से चलता है। और रहा बात, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ये जितना भी देख रहे होंगे पाकिस्तानियों, एक बार ध्यान में दे देना कि हम मोहम्मद रेहान इदरीसी बोल रहे हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान से। और कहीं ना कहीं मैच जो आप लोग हार रहे हैं और हमेशा इसी तरह हारते रहिएगा क्योंकि यह हमारा हिंदुस्तान का ऐसे मुल्क के हमारे ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि छक्के छुड़ा देते हैं आप लोग। क्या सही बात है कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है? है? बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, ये सही बात है? और सही में हिंदुस्तान जो है कि बाप है पाकिस्तान का, तो ये हमको बताने का जरूरत है? ये सब कोई पूरा हिंदुस्तान जान गया, पाकिस्तान भी खुद जान रहा है, आज मुंह में माटी लगा कर जाएगा पीछे से। पाकिस्तान क्या जानता है? क्या जानता है कि हिंदुस्तान बाप है? कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी से ना बटा हुआ है तब ना पाकिस्तान माना तो कि तो पहले हिंदुस्तान है, तब पहले हिंदुस्तान है कि पहले पाकिस्तान? पूछिए उन लोगों से, वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे होंगे और देख के हम पे गुस्सा हो रहे हैं, टोपिया लगाए क्या बोल रहा है, क्या नहीं टोपी लगा के बोल सकते हैं हमारा हिंदुस्तान, हम इस मुल्क के खाते हैं तो हम इसी मुल्क के गाएंगे, जिस मुल्क से खाएंगे उस मुल्क के गाएंगे हम। अच्छा, सबसे आपका जो है कि चहेता क्रिकेटर कौन? धोनी।
सबसे ज्यादा हाँ महेंद्र सिंह धोनी को हम मानते हैं। मतलब आप महेंद्र सिंह धोनी को अपना जो है कि आइडल या जो भी कह लीजिए हम मानते हैं। जो भी संन्यास ले लिए तो कहता, पर भी अभी तक धोनी को मानते हैं हम। जब तक ये धोनी रहे या जब तक जो है कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी एक खिलाड़ी रहेगा, एक खिलाड़ी काफी है तुम पाकिस्तानियों को जो है कि मात देने के लिए और धूल चटाने के लिए। क्या ये गलत बात है? नहीं, एकदम सही बात है। हाँ। एकदम सही बात है। और इन लोगों को हम बता दें कि आगे चल के इंशाल्लाह इन लोग इसी तरह हारते रहे और हिंदुस्तान हमेशा इसी तरह फतेह करते रहे। और हर में जब भी क्रिकेट होके इंशाल्लाह हिंदुस्तानी जितने भी क्रिकेटर है उन लोगों का फतेह होते रहे और इंशाल्लाह आगे चल के भी वर्ल्ड कप में भी इन लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह फतेह किया जाता है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग फतेह करेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। और जिस तरह आपने आज देख लिया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और हिंदुस्तान किस तरह अपना जीत फतेह किया है और इंशाल्लाह आगे चल के भी इसी तरह जीत फतेह करते रहेगा। ऊपर वाले से अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये खुदा, अगर देख रहे होंगे, अगर इस हमारे दुआ को कबूल कर रहे होंगे तो एक बार जरूर फिर से इंडिया को एक बार और चांस वर्ल्ड कप में फिर से एक बार झंडा गाड़ के आया जाए और फिर से वर्ल्ड कप एक बार लेकर आया जाए और कहीं ना कहीं टकरार हो तो पाकिस्तान से हो। और एक बार क्या, बार बार जो है कि हिंदुस्तान अपना वर्ल्ड कप जो है कि अपने झोली में लेकर आए और इन नापाक पाकिस्तानियों को हरा कर लेके आए, तब मजा आएगा। मिठाई भी बांटा जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। वर्ल्ड कप में तो कह दिया है कि 50 किलो लड्डू हमारे तरफ से रहेगा। 50 किलो मियां भाई लड्डू बांटेंगे, 50 किलो एक लड्डू हिंदुस्तान की जीत में, जीत में वर्ल्ड कप में। हाँ। जब जिस दिन आ गया वर्ल्ड कप हमारे पास हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में, तो उस दिन 50 किलो लड्डू एकदम। सुन लीजिए हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, आप चाहे किसी भी टीम से हार जाइए लेकिन पाकिस्तान से हार जाइए ये मियां भाई को भी मंजूर नहीं है। और ये जो है कि वर्ल्ड कप आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 किलो का लड्डू बटवाएंगे। आज आप भागेंगे तो ये वीडियो रहेगा, हम इनको पकड़ेंगे भी, ये भागेंगे नहीं, लड्डू बटवाएंगे। एकदम 50 किलो का लड्डू उस मुल्क में भी भेजा जाएगा, 2.5 किलो। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में भेजा, 2.5 किलो का पार्सल कर दिया जाएगा जितना पैसा लगेगा। सही बोल रहे हो, हाँ, एकदम दिल से नापाक पाकिस्तान में भी। हाँ हाँ, तब ना पता चलेगा हिंदुस्तानी लड्डू कैसा होता है, एक बार खा के तो देखिए। हम लोग क्या क्या देंगे, आटा देंगे, दाल देंगे, तो चावल देंगे, जरूरी है कि नहीं? लड्डू देना है कि जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है, और वो भी पड़ोसी है, पड़ोसी है। हाँ। देना तो जरूरी है, ये है जरूर। तो लटका के बैठा रहता है क्या मिल जाएगा, कब एम्बुलेंस दे दिया जाएगा, कब आटा दे दिया जाएगा, कब चालू चाय, कब पानी, कुछ भी मिल सकता है। बेचारा इंतजार में रहता है कहाँ देगा हिंदुस्तान का। और जीत, हम इसी तरह आप लोग हारते रहिए और हम लोग इसी तरह जीतते रहे, धन्यवाद। और बाकी जो है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास और वीडियो कैसा लगा और इनकी बातें कैसी लगी आप लोगों को, और हिंदुस्तान का आज वनडे वर्ल्ड कप का फिर से जीत है और पाकिस्तानियों के छातियों पे जो है ना कि फिर से मूंग दर आ गया और झंडा लहलहा रहा है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।